लुलु मॉल के बाहर। तो ये हमारा कुछ ग्राउंड फ्लोर है इस टाइप का कुछ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी, आए हो काफ़ी बढ़िया होंगे। तो यार भाई आज का जो व्लॉग है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे, पहले तो हम लोग की जो एक ट्रेन थी वो हम लोग की छूट चुकी है, क्योंकि अभी शायद 11 बजे 10 बजे थी ऐसे कुछ ट्रेन थी, अभी 11:30 बजे की दूसरी ट्रेन है, तो हम लोग दूसरी ट्रेन से जाने वाले हैं। तो हमारे सामने भाई चल रहे हैं हमारे, आंटी जी चढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, भाई साहब हमारे दूसरे एक बच्चा संभाल रहे अपना बच्चा संभाल पाएंगे कि नहीं। सो फाइनली गाइस हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं ट्रेन हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, वैसे हम लोग यहाँ से कानपुर से काफ़ी लेट निकल रहे हैं, 12 तो यहीं बच गए आई थिंक, 12 बजे जब यहाँ 12 बजे वहाँ तक का कम से कम 2 बज जाएगा हम लोग को जाते जाते, देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई। तो क्या ही क्राउड है यार। तो यार फाइनली गाइस हम लोग लखनऊ तो आ चुके हैं, देख सकते हैं भीड़ यार भाई काफ़ी ज़्यादा थी यार यहाँ पे, क्योंकि यार भाई बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी यहाँ पे अंदर, यार भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी भाई। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, देखिए कितना टाइम लगता है तो अभी मेरे को भी नहीं पता है, तो चलिए वहाँ पर आपको सीधे लुलु मॉल में ही मिलते हैं, ठीक है। भाई साहब बहुत फेमस है लखनऊ का, देख सकते हैं आप चिकन की कढ़ाई, मेरे को तो नहीं पता था, ये मेरी सिस्टर ने बताया ये मेरे को, मीटर का 150 रुपये हुआ। अब बाहर देखते हाँ चलो चलते बाहर। पहले गए हम लोग ऑटो मिल चुके थे और अंकल बोल नहीं रहे थे कि 200 रुपये में ले जाएंगे ले जाएंगे, मतलब वो बोल रहे थे कि 200 रुपये में ही ले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने बाहर थोड़ी बहुत यहाँ पे भी की तो कितने 170 रुपये में यहाँ से 16 किलोमीटर है तो लेकर जा रहे हैं, तो अभी वहाँ पर देखते हो वहाँ इतना प्रदूषण क्या सुनने वैसे भाई। तो यार फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं लुलु मॉल और देख सकते हैं पीछे बैक में काफ़ी टाइम लग गया यार, क्योंकि जाम भी लगा हुआ था वहाँ पे लखनऊ के वहाँ से थोड़ा सा बाहर, और अभी आपको अंदर ले चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा लोकेशन है कैसा नहीं भाई। गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया था कि यहाँ पे DSLR अलाउ नहीं था, खैर ठीक है, तो यहाँ पे पर घंटे का चार्जेस वही आई थिंक 1 से 5 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है टाइम का उसमें ये लोग चार्जेस कर रहे हैं 20 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरा कैमरा जमा गया, वैसे तो वो बोल रहे थे कि वो अलाउ नहीं है, जब उसको मैंने बोला कि हाँ भैया मैं बाहर से आया हूँ यहाँ पे टूर के लिए आया था यहाँ पे, तो रैंडम प्लान बन गया इस वजह से मैं DSLR लेके आया हूँ, तो भैया ने बोला ठीक है चलो मैं मैनेज कराता हूँ, भैया काफ़ी अच्छे थे क्योंकि अंदर करा दिए, वैसे वो बोल रहे थे कि अंदर जाना अलाउ है, कुछ इस टाइम पर टोकन मिलेगा उल्टा दिखेगा आपको क्योंकि फ्रंट कैमरा है, तो चलिए दिखाते हैं ब्लॉग बने रहिए। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर, और ये भी कहाँ का लोकेशन है, ग्राउंड फ्लोर का है, ऐसा भी बहुत बड़ा है यार, अभी ये हम लोग आई थिंक ग्राउंड फ्लोर में है ना, फ्लोर कौन सा ये भी नहीं अभी पता चलो पहले देखते हैं। दिस व्यू यार देखो
अभी क्रिसमस वाला जहाँ सजा वो लोकेशन नहीं आई अभी, वो लोकेशन किधर से पड़ेगी? भाई साहब क्या ही मॉल है यार, तगड़ा। ठीक है भाई, थोड़ा ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा ठीक है, लेकिन दिखाएंगे भाई एक एक चीज़, मज़ा बहुत आने वाला ब्लॉग में। तो ये साइड साइड में कुछ दुकानें कटी हैं, ये सैयदे पूरी गैलरी दी गई है, और ये नीचे काफ़ी अच्छा लोकेशन काफ़ी दिया गया है यार, देख रहो गाइस। वैसे जितना बड़ा बताया जा रहा था उतना बड़ा हमको लग नहीं रहा। ये भाई कुछ यहाँ का नज़ारा, लेकिन यार आज क्राउड नहीं है भाई इसमें, वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आज है नहीं। उधर साइड चलते हैं कुछ भाई साहब, कुछ उधर साइड चलते हैं, उधर से लोकेशन बहुत अच्छा आएगा। ये देखो भाई साहब, ऊपर आई थिंक कुछ गेमिंग वाला है, वहाँ पे भी अभी आपको ले चलेंगे। वो देखो भाई साहब क्या सीन है, अभी बाकी यहाँ से नज़ारा थोड़ा देखोगे बाहर का ना। रास्ता ये भी फर्स्ट फ्लोर है, आई थिंक ये 3 फ्लोर में बना हुआ है, हाँ 3 फ्लोर है इसके। देख रहो भाई साहब क्या ही लोकेशन है यार, करना मैं तो भाई सबको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा भाई यहाँ पे आओ, और यहाँ का जो आनंद है लूलू लो। अभी अपन लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर कुछ बच्चों का खेलने का भी चीज़ है उसमें देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्राउड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फास्ट फूड का ज़्यादा कुछ है ना। ये टॉप फ्लोर है ना, ये यहाँ का कुछ टॉप फ्लोर है देख सकते हैं। यहाँ पे केवल खाने का जो सामान है और बच्चों के कुछ खेलने का भी सामान है वो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बगल में आप बैठ के कुछ आनंद ले सकते हैं बाहर का। ग्राउंड फ्लोर में देख रही कोई है ही नहीं, केवल ये 2 फ्लोर में बना हुआ है लेकिन है काफ़ी बड़ा। 3 से बना रहे थे ना, दूर ज़्यादा आ जाएगा। सबसे तगड़ा लोकेशन लगा ये वाला, देख लो भाई साहब। देख रहा हूँ मतलब भाई साहब कौन कौन से झूले लगा रखे हैं, बस ऊपर नीचे कर रहा उसी में ये लोगों को संतुष्टि दे रहा है। यहाँ पे भी वो देख रहे हैं, वो जो चूतिया बनाते नहीं है आइसक्रीम, मतलब पकड़ नहीं सकते वो वाले, यहाँ पे भी हैं देख सकते हैं, इसके लिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए
कैसे छुटिया बनाते हैं ये लोग। ये जो हमारा है गाइस, ये है ग्राउंड फ्लोर, देख सकते हैं आप। बहुत सन्नाटा यार, वैसे तो आज लग ही नहीं रहा कि मॉल में आए हुए हैं। लग रहा कहीं मॉल में आए, और कहाँ लग रहा है, मतलब उतना क्राउड नहीं दिख रहा है। तो बाहर से जनता बुलवा ले क्या, पूरा लखनऊ इसी के अंदर आज बसा होना चाहिए था। ये देखो गाइस, सेल्फी पॉइंट बना के रखे, इतना तगड़ा। हमारा कुछ ग्राउंड फ्लोर है इस टाइप का, कुछ ऊपर दो मंजिल का है। ये सीन हो रखे हैं भाई, यहाँ तो आदमी आएगा अगर ना पता हो तो भटकते जाएगा, इतना बड़ा है भाई साहब। जिसके गाड़ी खड़ी है लाइट जल, हाँ उसमें लाइट चालू, दूर से यार दिख जाए यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी है वहाँ पे ग्रीन रहता है, जहाँ गाड़ी खड़ी रहती वहाँ पे रेड रहता है। वेरी गुड भाई, हम लोगों का कुछ बाहर का लोकेशन है, देख सकते हो। हाँ क्या चीज, यही लोग स्टोरी स्टेटस लगाएंगे ना। अच्छा देख सकते हो गाइस, ये कुछ बाहर का लोकेशन है। अभी आई थिंक ये हम लोगों ने सिंगल ये घुमा था, बाकी इसके आगे जो वो वाला भी लुलुई मॉल माना जाता है आई थिंक है, वो वाला हमें हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि भाई टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, हम लोगों ने केवल इतना घूमा है वहाँ से लेके और यहाँ तक का केवल घूमे थे ना, इसके आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार।
आप देख सकते हो नो पार्किंग में लगाने का यही नतीजा मिलेगा लुलू मॉल के बाहर, उठा लेगा। तो यार फाइनली गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, और ब्लॉग अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई। यार आज बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी क्योंकि यार भाई खड़े होकर 2 घंटे आए हुए हैं, तो यार समझ सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई अगर ब्लॉग जरा सा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और चैनल को पहली बार आया तो बिना सब्सक्राइब किए जाइए ना, क्योंकि ऐसे मैं कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। तो ऐसे ही मिलते किसी दूसरी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।